तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी आप लोग सोशल मीडिया के एक एक प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं, फोटो के हैं या फिर स्क्रीनशॉट, दोनों काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और वायरल होने का कारण यही है, दोनों झारखंड की बेटियां ही हैं, एक अंजलि महतो और एक है अनिता महतो। एक फुटबॉल खिलाड़ी है और एक रील्स बनाने वाली लड़की है। लेकिन क्या किया गया है यहाँ सरकार के द्वारा, जो लड़की अपने भारत देश का और अपने झारखंड राज्य का नाम रोशन करके आती है, उस लड़की को सम्मानित नहीं किया जाता है। अब किस कारण से सम्मानित नहीं किया जाता है ये तो हम लोग आगे जानेंगे वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे अंजलि महतो का, क्योंकि अंजलि महतो का आखिर में एक फुटबॉल खिलाड़ी के साथ इसका क्या कनेक्शन है कि दोनों का फोटो एक साथ वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है, ऊपर में देखा जा रहा है कि जो रील्स बनाती है अंजलि महतो वो मुख्यमंत्री के हाथों से चेक पकड़ी हुई है, और जो एक लड़की मीडिया के सामने बयान दे रही है कि हमें कुछ नहीं मिला। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अंजलि महतो को 1,00,000 रुपया झारखंड सरकार दे देती है, क्यों देती है, चलिए पहले उस पर बात करते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हमारे झारखंड में झारखंड पर्यटन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता हुई थी, जो कि ऑनलाइन था, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी थे। चलिए हम लोग पहले टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हैं कि आखिर क्या क्या निर्देश था, जिसके इसके क्या क्या रूल थे कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आप इस प्रतियोगिता में विजेता होते हैं। चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको YouTube या तो यूट्यूबर होना चाहिए, या फिर फोटो जो कि Instagram Facebook वगैरह में पोस्ट करते हैं, या फिर रील्स जो कि Instagram और Facebook दोनों में पोस्ट करते हैं। सेम कंडीशन ऐसा ही कुछ था, जिसमें वीडियो यूट्यूब वाले जो वीडियोज थे उनको कम से कम 10,000 व्यू। एक क्राइटेरिया था कि यूट्यूब वाले जो यूट्यूब के वीडियोज बनाते हैं उनको मात्र कम से कम 10,000 व्यू और 500 लाइक चाहिए था। तो दोस्तों हम इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें पूरे के पूरे 57,00,000 रुपए की राशि थी, जो ये प्रतियोगिता था, पूरे के पूरे 57,00,000। अभी आप 1,00,000 में अंगुली कर दिए हैं कि अंजलि महतो को 1,00,000 मिल गया, 1,00,000 मिल गया, और जो फुटबॉल खिलाड़ी है जो फीफा वर्ल्ड कप खेल के आ रही है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी सबर करो, रुको जरा, अभी हम बताते हैं क्या कुछ खास है सरकार की प्लानिंग, पूरी पोल खोलने वाले हैं, वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों जो भी इसमें यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर इसमें भाग लेते हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूबर हैं, झारखंड वाइज यूट्यूब हम लोग का यूट्यूब चैनल है, तो आराम से समझिए बात को, आराम से समझिए। जो यूट्यूब का वीडियो जो बनाते हैं, तो यूट्यूब वालों की पहले क्या थी क्राइटेरिया हम बताते हैं। यूट्यूब वाले को तो बताया कि कम से कम आपको 10,000 व्यू और 500 लाइक चाहिए। उसके बाद दूसरा था 1 मिनट से लेकर 2.5 मिनट तक का आपका वीडियो होना चाहिए, ना 3 मिनट, ना 80 सेकंड, 90 सेकंड नहीं चलेगा, मैंने एक भी ज़्यादा और एक भी कम नहीं होना चाहिए, मैंने बीच बीच में, जैसे कि आप लोग फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें जो फोटो का साइज होता है KB में, उसी प्रकार से इसमें भी एक MB साइज था, उसमें हमें पोस्ट करना था, और जो ये जो मिनट था टाइमिंग था 1 मिनट से 2.5 मिनट के बीच हमें रखना था। तो दोस्तों क्या हुआ, चलिए हम इस मुद्दे पर इसलिए बात किए क्योंकि सरकार ने 57,00,000 रुपए में 1,00,000 हमने देखा, आपने देखा, अंजलि महतो को दिया 56,00,000। 56,00,000 रुपए सरकार कहाँ बांटी, आप लोगों तो देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा। और इस सबसे मजे की बात हम बताते हैं, जो ये प्रतियोगिता थी हमने भाग लिया था, झारखंड वाइज इसमें भाग लिया था, और जो भी क्राइटेरिया था सारा चीज़ हमने फुल फिलअप किया था, सारा चीज़, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ा था। रही बात वीडियो की, हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहे हैं, देख सकते हैं हमारा ही वीडियो है, और इसमें और भी कोई कुछ कुछ निर्देश थे। इसमें निर्देश ये भी थे कि जो वीडियो आपका होगा वो झारखंड का पर्यटन स्थल होना चाहिए या फिर झारखंड का कोई त्यौहार ही होना चाहिए। तो भैया आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो में, ये है टूसू का, जो कि डहरे टूसू हुआ था धनबाद में, तभी हम लोग गए हुए थे, तो हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो फिर हमने सोचा कि सरकार जब इस प्रकार का स्कीम लाई, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारा व्यू आ जाता है उतना सा, 10-20 हज़ार के लिए हमारा टेंशन नहीं था, हमने सोचा 80 की तो बात है, चलो चांस मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, 84-10 की बात है। तो हमने इस वीडियो में पूरे के पूरे 84,000 व्यू उठाए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में आसपास दिख रहा है, और जो भी टैग टाइटल वगैरह जो सरकार जिस जैसा रूल बताया गया था हमने सारा चीज़ फुल फिलअप किया था। उसके बाद क्या हुआ, सरकार जब रिजल्ट आया तो किसी प्रकार का हमारे पास सूचना नहीं आया, आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारा वैकेंसी वगैरह बांट दिया जाता है सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, पता चला गया कि फलना फलना आदमी का हो गया, उसी प्रकार से हमारे साथ भी हुआ, और हमारे साथ इसीलिए ऐसा हुआ हमें जहाँ तक लगता है कि हम लोग JBKSS यानी कि टाइगर जयराम महतो का हम लोग लगातार वीडियो दे रहे हैं शुरू से अभी तक, जयराम महतो जयराम महतो। और यदि हमने इसमें और इसमें क्या था कि इसको डालने का था, जैसे हमारा ये लिंक है वीडियो का, कि मैंने वीडियो जो डाला वो 1 मिनट से 2.5 मिनट के बीच का है, तो मैं उसका लिंक उसको कॉपी करके और उनका जो वेबसाइट था वहाँ पे हमें पोस्ट करना था, हमने पोस्ट किया,
फिर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखने का था नीचे में, तो हमने वहाँ लिखा भी कि ये जो वीडियो है इससे संबंधित है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, जो भी क्राइटेरिया था सारा चीज़ हमने फुल फिलअप किया था। लेकिन भैया देख सकते हैं आप लोग, अंजलि महतो को दिया गया, हमको नहीं दिया गया, हमें अफसोस नहीं। चलो भाई किसी को भी तो मिला, अरे भैया तो दिखाई तो देना चाहिए ना, कम से कम हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर हमने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, हमें भी जानने की ये पूरा अधिकार था कि आखिर इतनी बड़ी रकम की बात है। आपको मामूली लग रहा है 57 लाख रुपया कहाँ चल गया, आपको मामूली लग रहा है? अरे किसको आपने दिया? आपने जो क्या बोलते हैं हमारे ब्लॉगर्स हैं जो झारखंड के हैं, अधिकतर को जानते ही हैं, अगर वो लोग को आप देते तो वो लोग भी अपने सोशल मीडिया में जरूर पोस्ट करते, जैसे कि अंजलि महतो ने किया, अपने यूट्यूब चैनल पे भी किया और इंस्टाग्राम में भी पोस्ट किया कि सरकार ने हमें 1 लाख रुपया दो, उन्होंने बोला भी। चलिए उनका थोड़ा सा वीडियो भी देखते तो दोस्तों, आप लोगों ने अंजलि महतो का वीडियो देखा, इन्होंने बयान दिया कि हमारे पास फोन आया था या फिर सोशल मीडिया के माध्यम किसी भी प्रकार से सूचना मिला होगा, इन्हें गई और इनको पुरस्कार मिल गया, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, क्या हुआ कहां से। हम ये चीज़ पहले भी देखे थे, नोटिस भी किए थे इस चीज़ को, लेकिन हमने सोचा कि कभी ऐसा मुद्दा आएगा, किसी को लेकर आएगा, तब हम अपना मुद्दा को जोड़ेंगे। हम अकेले इस मुद्दा को क्यों उठाएंगे, हम किसी के साथ इस मुद्दा को जोड़ेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, हो सकता है किसी को मिला होगा भाई तो अचानक से बोलेंगे। जब देख रहे हैं कि सिर्फ अंजलि महतो का ही पोस्ट हो रहा है, तो हमको लगा नहीं, अंजलि महतो को सरकार पैसा दिया है लेकिन हम लोग को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया होगा, पक्का घपलाबाजी हुआ। चलिए आज इस वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये बात रहा कि अंजलि महतो को पैसा मिला, हम लोग को क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं बोल रहे कि जयराम महतो का वीडियो डालते हैं इसीलिए नहीं मिला, लेकिन कारण यही है कि अंजलि महतो को दिया गया क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और जो नया लड़का लोग हैं वो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज करता है और वो लोग ज़्यादा शेयर करता है किसी लड़की का, खास करके जो फोटो हो। सच्चाई है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को जो बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सच्चाई है कि यदि किसी लड़की को किसी भी प्रकार का कुछ भी मिलता है तो उसको ज़्यादा लड़का लोग शेयर करते हैं, जबकि अनदर कोई ऐसे कितनों भी झारखंड को बचाव को लेकर कोई भी वीडियो डाल दे नहीं शेयर करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यदि किसी रील्स बनाने वाली लड़की को पुरस्कार दिया जाता है तो उसको लोग भर भर के शेयर करते हैं, यही सच्चाई है। तो कारण बस यही रहा और उनको मिला, अंजलि महतो को मिला। मैं दोनों झारखंड की बेटियां हैं, दोनों हमारी बहनें हैं, हम दोनों का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार समानता नहीं दिखा रही है, इसलिए हमने ये वीडियो के बनाया। खैर जो भी हो, जो कुछ भी हो, हमारी झारखंड की बेटी या हमारा झारखंड का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही है, हम अनिता महतो उनकी और आगे बढ़ने की कामना करते हैं और उनका दीर्घायु हो, और ऐसे ही हमारे झारखंड के लोग उन्हें पूरा सपोर्ट करते रहिए। अभी फिलहाल सरकार तो हमारे जो क्या बोलें, जातिवाद का भेदभाव के हैं या जो के हैं, लेकिन दोनों महतो ही है, जातिवाद का भेदभाव हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम इसमें भी बोल सकते थे कि अंजलि महतो को नहीं दिया या फिर उत्तम महतो को नहीं दिया, ऐसे नहीं बोल सकते, जातिवाद का बात नहीं करेंगे, जातिवाद का नहीं, जिस कारणवश नहीं दिया गया है उन्हें मिलेगा। खैर ये मीडिया होने के बाद, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद, आप लोग इतना ज़्यादा ट्विटर में पोस्ट करने के बाद फाइनली उनको मिलेगा, जो उन्होंने मेहनत किया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, तो उनको हकदार हैं वो, उनको ये मिलना चाहिए। और हमारे झारखंडवासी और खास करके जेबी केसेस का तो पूरा समर्थन मिल रहा है, अभी देख रहे सोशल मीडिया में सबको डाल रहा है जेबी केसेस का, सबको कि अनिता महतो को पुरस्कार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, एकदम जायज है। जेबी केसेस हमेशा से समर्थन में खड़ा है, जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार कार्य नहीं करती उसमें हमारे जेबी केसेस के जो सक्रिय सदस्य गण हैं वो लोग सारा चीज़ निपटा रहे हैं, चाहे वो राशन का मामला हो या फिर कहीं पे विस्थापन को सही मुआवजा दिए लाना, तरह तरह की जो भी अभी फिलहाल की बात करेंगे, खैर आगे क्या होगा वो तो देखने के लायक ही रहेगा। तो यही मुद्दा था कि अंजलि महतो को इसी कारण से दिया गया कि उनको यदि हम दे देते हैं तो अभी इंस्टाग्राम में डालेगी, यूट्यूब में डालेगी, पूरा वायरल कर देगी कि फलना महतो, फलना मंत्री फलना को इतना पैसा दिया, बस और कुछ नहीं, बस मीडियाबाजी करना था और कुछ नहीं करना था। तो हम लोगों ने भी दिखाया, हमने भी सारा क्राइटेरिया फुल अप किया था कि हमने करम पर्व का जो जयराम महतो को वहाँ पे टूसू पर्व था हम लोग गए हुए थे, हम लोग भी सोचे कि कंटेस्ट में भाग लेते हैं, तो चलिए जो उसका क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो करते हुए हमने भी पोस्ट किया, सारा चीज़ किया, लेकिन यही दुख लगा कि 57 लाख टोटल पुरस्कार था, उसमें 1 लाख का तो देखें अंजलि महतो को मिला, और सारे जितने भी लोगों को मिला होगा, हम ना नहीं चाहते कि हम किसी को ना मिले, सबको चाहते हैं कि जो भी मेहनत किया होगा, जिसका भी व्यूज आया होगा उसको मिलना चाहिए, लेकिन एक मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यदि मीडिया में इसको आप ऑनलाइन प्रक्रिया से करवा रहे हैं तो ऑनलाइन में इसको पोस्ट करना चाहिए कि फलना फलना आदमी इसमें सेलेक्ट हुआ, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, सारी राशि इतनी बांट दी गई, यही चीज़ तो हम चाहते थे। तो हम वीडियो बनाने का ही है कि हमारी बेटी आज हमारे झारखंड राज्य का नाम रोशन की, पूरे भारत वर्ष का नाम रोशन की, FIFA U17 वर्ल्ड कप खेल के आई लड़की, और उसको सम्मानित सरकार के द्वारा नहीं किया गया,
काफ़ी दुख की बात है। और पूरा झारखंड अभी इस मुद्दे पे बात कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ा इसमें, जो आप एक लाख कर रहे थे कि अंजलि महतो को 1 लाख दे दिया, उसको 1 रुपया नहीं दिया, तो 1 लाख नहीं, इसमें पूरे 57 लाख की ये प्रतियोगिता थी। और जिस प्रतियोगिता में और पैसा कहाँ गया 56 लाख, हम ये बता नहीं सकते हैं, ना हम किसी को बोलेंगे कि वो आदमी खाया है, या फिर कुछ जानकारी नहीं है किसी प्रकार का। खाली सूचना मिला था, पेपर में देखे थे कि ये प्रतियोगिता है, हमने भी भाग लिया था, लेकिन हमें भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो क्या बोले, कोई भी चीज़ कहें हर जगह करप्शन है भैया, ब्लॉक से अलॉक से नहीं, अभी ऑनलाइन भी करप्शन चल रहा है। जैसे कि हमारे साथ हुआ कुछ दिन पहले, 8-9 महीना पहले ही ये प्रतियोगिता चल रहा था, उसी टाइम की बात है। और देख सकते हैं अभी फिलहाल ये मुद्दा आया हुआ था, तो हमने ये वीडियो आप लोगों के बीच पेश किया। तो दोस्तों अभी फिलहाल अभी हम लोग विदाई लेते हैं। देखिए अभी जंगल झाड़ में ही आए हुए हैं, कहा कि झारखंड में अधिकतर हमारे बीच यही चीज़, यही सब में हमारा दिनचर्या चलता है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड वगैरह डिस्प्ले नहीं है कि हम लोग आप लोग को स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ दिखा पाएंगे, लेकिन अच्छा हमको लगता है कि जहाँ तक कि आप लोग को कुछ हद तक समझ जरूर आया होगा। तो आपको समझ आया तो फट से जाके वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर दीजिएगा। कहा कि कमेंट तो आपको बनता ही है, कमेंट करते जाइए, कहा कि मैंने क्या कुछ गलत बोला या फिर सही बोला, जरूर राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।